किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानू की अगुवाई में एचपीडीए पर कथित उत्पीड़न के विरोध में जारी किसानों के धरने पर सोमवार को किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने रालोद और समाजवादी पार्टी के नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। बनाने के बाद प्राधिकरण को यह अधिकार दिया कि प्राधिकरण विकास शुल्क लेकर हमारे बने हुए भवनों को हमारी जमीनों को छोड़ेगा, लेकिन तत्कालीन कमिश्नर महोदय ने किसी भी बहकाए में आकर हमारी जमीन हमी को 19,000 प्रति वर्ग मीटर में बेचने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पास करा दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु की अगुवाई में सोमवार की सुबह गांव छेजा, श्यामनगर, सबली आदि गांवों के किसान बड़ी तादाद में हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर पहुंचे और धरना देकर प्राधिकरण के विरोध में नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि साल 2005 में प्राधिकरण ने किसानों की भूमि 800 रुपये प्रति वर्ग गज में किसानों की सहमति के बिना प्राधिकरण के हक में कर ली और अब किसानों को 19,000 रुपए की दर से लौटाने की बात कह रहा है। ये किसानों का उत्पीड़न है। ये लड़ाई बड़ी सीधी है। 2005 में इस भूमि का अधिग्रहण हुआ था। 2005 में 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर इन्होंने हमको मुआवजा देने की बात कही और 2005 में ही इन्होंने 5,500 रुपए लेकर के रजिस्ट्री करने का काम किया। और बड़ा घोटाला इसमें यह हुआ है कि आज तक हमारे किसान की सहमति नहीं हुई और बिना किसान की सहमति के एचपीडीए ने वो भूमि सबली की भी, चमरी की, बरेछेजा की अपने नाम कर ली। तो सबसे पहले तो हमारा यह है कि जिन अधिकारियों ने बिना हमारी सहमति के में है उनके खिलाफ धोखाधड़ी का और 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा हमारा बड़ा स्पष्ट मामला है कि यदि आप हमारा जिस समय पर उस 800 का रेट देना चाहते हैं तो फिर 5,500 में हमारा बेनाम के लिए हम तैयार हैं आज, या फिर आज का जो रेट है उसके तहत करें, लेकिन 19,000 रुपये आप हमको बेनामे के लिए बात कर रहे हैं और हमें 800 रुपये देने का काम कर रहे हैं। यहाँ सार में ये बड़ा आंदोलन है, बड़ा आंदोलन चलेगा। किसान संघर्ष समिति के साथी जो निर्णय लेंगे, यहाँ समस्त दलों के, राजनीतिक पार्टियों के लोग, किसान संगठनों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाएगा, यहाँ VC चिलिहित में इन किसानों की बातों का अमल नहीं कर लेंगे, तब तक ये आंदोलन मजबूती से चलने का काम करेगा। हम प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार किसानों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे और आश्वासन देकर किसान आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया। किसान लिखित में आश्वासन देने की मांग पर अड़े रहे और ये हुआ था कि आपके प्रतिनिधि बोर्ड के समक्ष मेरे को बुला लिए जाएंगे और जैसा कि आप लोग आए भी थे, दलित जी थे, त्यागी जी भी थे, तो कमिश्नर साहब ने यही कहा था कि इनका एक पुराना सर्वे करा लीजिए कि ये किसान कब से काबिज है, सरकारी सर्वे करा लीजिए, बिजली के बिल ले लीजिए, नगर पालिका का बिल ले लीजिए, अगर किसी का नक्शा पास है वो ले लीजिए, सारी रिपोर्ट बनवा के अगली बैठक में रखिए। जो हम कमिश्नर साहब ने कहा है, आपकी सहमति से आपके सामने कहा है, तो जो उन्होंने कहा है वो काम होने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट रखी जाएगी और जो भी ऐसा कोई नहीं कि चोरी छुपो रिपोर्ट रखी जाएगी, जो भी रिपोर्ट रखी जाएगी आपको दिखा के रखी जाएगी।